अभी कुछ ऑनरेबल MPs और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। मैं साथियों आपके सामने एक और विषय रखना चाहूँगा। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को देश की प्रगति को देख नहीं सकते पचा नहीं सकते क्योंकि इनके परिवार ने जब देश पे राज किया तब उन्होंने केवल और केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम किया कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे कैसे अपने परिवार का पोषण करे। देश की चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं थी। ये ऐसे लोग हैं जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है। 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है। 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर। वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। ये वेग है और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लेरिफिकेशन इश्यू कर दिया है कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। 150 देशों में ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। तो साथियों, जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं और केवल उनके मन में इतना है कि जिस तरह से भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में अपना नाम आगे कमा रहा है उसको वो डिस्ट्रैक्ट करे और उससे लोगों का ध्यान भटकाए। देर आर मेनी कंपल्सिव क्रिटिक्स इन आर कंट्री। देयर ओनली एंड ओनली जॉब इज टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एज एंड व्हेन दे वेक अप एज एंड व्हेन दे फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। यू मस्ट हैव ऑल सीन द एडवाइजरी इश्यूड बाय एप्पल। दिस इज अ वेग एडवाइजरी। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन estimations that they have done. Apple has already clarified that their system is their encryption system is of highest possible order. They have also clarified and issued a statement saying that this kind of advisory has been issued in 150 countries. Friends, these compulsive critics, they have only one habit. Whenever they don't have any major issue, the only thing they'll say is surveillance. This they have tried few years back. We conducted a proper investigation. The matter was supervised by the Honorable Judiciary also. Nothing came out of that investigation, including Ms. Priyanka Gandhi Vadra. She said that her two children's phones were hacked, but nothing of that sort had actually happened. So this is a falsehood that some compulsive critics are trying to spread. They want to distract the country, they want to distract the people from the
progress that the country is making under Prime Minister Narendra Modi's leadership. Their only and only aim is to just throw some allegations. Whether something comes out of it or not, they are not concerned. This kind of behavior, this kind of politics that these people are trying to do is not good. It is not healthy. This is not the way a country, this is not the way the opposition should behave. We have already ordered an investigation, and we request each and every person who has received the advisory to please cooperate with the investigation and make sure that we go to the depth of the matter. Thank you. सर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स की बात आखिर आई कहाँ से? ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ही टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है. दिस रिक्वायर्स डीप टेक्निकल डोमेन. देयरफॉर अ टेक्निकली क्वालिफाइड एजेंसी लाइक सर्ट इन, विच हैज ग्लोबल कलेबोरेशन विद ऑल द मेजर सर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे विल बी इन्वेस्टिगेटिंग एंड दे विल टेक द हेल्प ऑफ अदर law enforcement agencies as and when required. Sir, certain. Yeah. हाँ. Sir, who, जो इसके अलावा जैसे जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, इन लोगों के आरोप में जो मुख्य बात है कि बीच में जैसे गौरव मोहित्रा का जो केस चल रहा था लोकसभा में, क्या सबके पीछे आप ये वजह मानते हैं? देखिए, आरोप लगाया जा सकता है किसी भी चीज़ पे. क्या 150 देशों में कोई केस है? क्या 150 देशों में इस तरह की एडवाइजरी हुई है? और तो और, सर्टिन ने 27 अक्टूबर को ऑलरेडी एक एडवाइजरी इश्यू कर दी थी कि एप्पल के सिस्टम में तुरंत उसको करेक्ट करिए, उसको तुरंत क्या कहते हैं उसको, सिस्टम को अपग्रेड करिए, अपडेट करिए ऑलरेडी. तो ये ऐसा है कि सी, वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट, बट वी वांट द पीपल हु आर मेकिंग दीज एलिगेशंस आल्सो to fully cooperate with the investigation. Sir, ruling party की तरफ से कोई इस तरह की complaint आपको पहले मिली थी? देखिए, जैसे ही complaint आई है, जैसे ही point उठा है, we have immediately ordered an inquiry and we'll investigate, we'll go to the depth. Sir, जांच कितने भी विपक्ष, यो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सुनील ओवैसी, अखिलेश राहुल गांधी, इन्होंने ही कहा है क्या इसके अलावा किसी और की सूचना है आप लोगों को, या आप लोगों के पास आपको मेल आया है? आप लोगों को मेल आया है? जिसके पास आएगा वो जानकारी देगा. असली जी, दो सवाल. इन्वेस्टिगेशन में सभी के सामने ऑप्शन है, जो भी जिसके पास भी ऐसा है वो अपनी जानकारी दे. बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उसमें हर चीज़ का ट्रेल होता है. सो वी हैव ऑल्सो आस्क्ड एप्पल दैट प्लीज़ कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन, because this is a matter of great concern to us. Sir, Apple को नोटिस जारी कर ऐसा कह सकते हैं? आज अभी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो गया है. ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड ऑलरेडी. थैंक यू. थैंक यू.